इसके लिए हमें सिंपल चीज़ें चाहिए, आप बैंगन ले लें, ठीक है, बड़े साइज के भी ले सकते हैं, वर्टिकल वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। मैदा और पानी को और सॉल्ट को मिक्स करके आपने एक बैटर बना लेना है, जिस जो हमारे कोटिंग में हमारे काम आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा बनाना है टिक्का मसाला। अच्छा। अब टिक्का मसाला क्योंकि इसलिए मैंने इसमें सोचा बिकॉज जनरली तो अगर कोई गोरे खाते हैं तो वो सॉल्ट पेपर लगा के और खा लेते हैं, बट हमारे लोग थोड़ा सा चटपटा खाना खाते हैं, तो आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून ले लेना है टिक्का मसाला, ठीक है। उसको सिंपल ये जो एक ऑयल है इसके साथ आपने इसको मिक्स करके एक लाइट सा मैरिनेशन बना लेना, मिक्स कर लेना, ठीक है। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो बैंगन है इनको कट कर लेते हैं और फिर हम इसको कर लेंगे मैरिनेट। ओके। सिंपल सर्कल्स में भी काट सकते हैं। अच्छा। और अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो थोड़ा सा थिक स्लाइसेस हम इसके काटेंगे, ठीक है, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए बैंगन का वो। एक मिक्सिंग बोल में आप इसको मसाले को डाल दीजिए और ये सारे जो बैंगन हैं इनको आप इस तरीके से इसमें मैरिनेट कर देंगे। अच्छे तरीके से जब लग जाएगा मसाला तो फिर हम इनको कोट करेंगे। हमने मैदा और पानी और सॉल्ट के साथ एक बैटर बनाया, उसमें डिप करने के बाद हमने इनको क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स जो है उसके अंदर हमने इसको कर लिया है कोट। और फिर आप जब घर पे होंगे तो आप इसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ताकि अपनी शेप जो है वो होल्ड कर ले। सॉरी, अगर आप इसको 2 से 3 मिनट भी फ्राई करेंगे तो बैंगन इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि ऊपर का क्रंच और अंदर की सॉफ्टनेस जो है वो आपको फील होगी, क्योंकि अगर बहुत हार्ड वेजिटेबल यूज करेंगे तो फिर वो सही से गले ही नहीं, कुक नहीं होगी सही से। क्रिस्पी ब्रिंजल टिक्का विद ग्रीन योगर्ट। अज्जा, बैंगन लंबे 2 अदद, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, टिक्का मसाला 2 खाने के चमचे, मैदा 1 कप, पानी 1.5 से 2 कप, नमक हसबे जरूरत, कुटे कॉर्नफ्लेक्स 300 ग्राम, मिंट पाउडर हसबे जरूरत, तेल तलने के लिए सब्ज रायता हसबे जरूरत।